भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश के बैनर तले बुधवार को उप श्रम आयुक्त कार्यालय पर दर्जनों कर्मचारियों ने राष्ट्रीय प्रतिवाद विरोध दिवस मनाया। इस संबंध में संघ के जिला मंत्री बजरंगी दुबे ने बताया कि संगठित और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए श्रम कानूनों में बदलाव एवं सरकारी संस्थानों के निजीकरण और निगमीकरण के विरोध में हम लोग आज विरोध दिवस मना रहे हैं। साथ ही जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंप कर अपनी विभिन्न समस्याओं के निस्तारण के लिए कर्मचारी हित में त्वरित कार्यवाही की मांग की गई है। इस संबंध में गौरवपुन्नी से बात करते हुए संघ के जिला मंत्री बजरंगी दुबे ने कहा, जो पुराने मजदूरों के श्रम कानून थे। बजरंगी दुबे, जिला मंत्री भारतीय मजदूर संघ गोरखपुर। का धरना भारत सरकार ने जो मजदूर श्रम कानूनों में बदलाव किया है उसमें जो मजदूर विरोधी प्रस्ताव हैं उनको वापस लेने के लिए यह धरना कार्यक्रम है। इसके पहले 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक भारतीय मजदूर संघ के 2-4 अक्टूबर में हुए अधिवेशन में जो प्रस्ताव पारित किए गए उसमें जो निर्णय लिए गए उसके निर्णय के अनुसार पूरे देश भर में 10 से 16 अक्टूबर तक चेतावनी सप्ताह मनाया गया। उसी क्रम में यह निर्णय हुआ था कि 28 अक्टूबर को पूरे देश भर में विरोध दिवस मनाया जाएगा। उसी क्रम में यह धरना आयोजित है और इसके अपनी मांगों का ज्ञापन हम अपने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से और अपने उप आयुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री महोदय भेजने का काम किया जाएगा। उसी निमित्त यह धरना आयोजित किया गया है।